नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन मिश्रा और आप देख रहे हैं कानूनी जंग न्यूज। चलिए रुक करते हैं आज के कुछ खास खबरों की तरफ। कोशिया में लगातार मक्का व्यवसायियों से हो रही लूट, बेखौफ अपराधियों ने फिर एक बार मक्का किसान से की 1,50,000 रुपए की छिनैती। भागलपुर के नौगछिया में बेखौफ अपराधियों के कदवा ओपी थाना क्षेत्र के बाबा विष्णु राव सेतु संपर्क पथ पर मंगलवार को देर शाम पूर्णिया जिले के रुपौली के कंकला गांव निवासी खगेश शर्मा से 1,50,000 रुपए की छिनैती कर ली है। घटना की शिकायत किसान खगेश ने कदवा ओपी थाने में लिखित रूप से की है, जबकि मामले में अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए एसडीपीओ दिलीप कुमार के नेतृत्व में छापेमारी की जा रही है। किसान ने बताया कि वह एक्सिस बैंक नवगछिया से रकम की निकासी कर अपने घर जा रहा था। कदवा गांव के पास अपराधियों ने उसके बाइक में धक्का मारकर पहले गिरने का प्रयास किया। क्या नाम है आपका? खगेश शर्मा। खगेश शर्मा, क्या हुआ है घटना आपके साथ? पैसा छिनाचोरी हुआ है। कहाँ, घर कहाँ हुआ आपका? कंकला। हाँ, कंकला। कंकला कहाँ है? रुपौली थाना। रुपौली थाना। और कहाँ से पैसा लेकर जा रहे थे? एक्सिस बैंक नौगछिया से। कहाँ लेकर जा रहे थे? कंकले जा रहे थे। नौगछिया से कितना दूर है कंकला? 18 किलोमीटर। कहाँ आपके साथ घटना हुई? विजय पुल के पास। विजय घाट पुल के पास। क्या हुआ आपके साथ? पैसा छीन लिया। कितना पैसा छीना? 1.5 लाख। 1.5 लाख रुपया। कौन चीज में पैसा लेकर जा रहे थे आप? बैग में जा रहे। कौन चीज का पैसा था आपका? मक्का का पैसा था। किस समय घटना हुई है? 5 बजे। किस तरह घटना हुई, मतलब इधर से आप जा रहे थे? इधर से जा रहे थे। हाँ? दो बाइक था। वही बीचे पुले में रोक रहा था, नहीं रुके, स्पीड बढ़ाया थोड़ा, उसका गाड़ी धक्का मारा बीच में से, आगे यानी पुला से नीचा गए तो फिर मैं गिरा दिया गाड़ी से गिर गए आप। फिर उसके बाद? उसके बाद वही पिस्टन निकाल कर गए, काम दिया, एक दो दिन तो गोली मार हम बैग दे दिए। उसके बाद आप थाना आए, फिर बैग छीन लिया, फिर आप थाना आए। थाना आए। सर क्या बोले हैं अभी, क्या पुलिस से जांच पड़ताल हो रहा है। क्या नाम बताइए, एक बार फिर से बताइए, क्या नाम हुआ? खगेश शर्मा। घर? कंकला। थाना? रुपौली। जिला? अपराधियों के धक्के से वह असंतुलित हो गया। इसके बाद अपराधियों ने पैसे से भरा झोला झपट लिया और मधेपुरा की ओर भाग गए। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट।